अहम शर्मा, आपको बता दें कि अहम शर्मा को आप देख रहे होंगे महाभारत सीरियल में, ये इसमें करण की भूमिका में है। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको ऐसे पांच सीरियल बताएंगे जिनको उनको ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने किसी न किसी रिजेक्ट कर दिया। नंबर पाँच पे है, आपको बता दें, नया वेब सीरीज G5 का जिसमें जेन इमाम को चुना गया, बाद में उनकी को स्टार थी अन्या सिंह। आपको बता दूँ कि वो किसी न किसी कारण से उन्होंने शो से जुड़ने से मना कर दिया। आपको बता दूँ कि जेन इमाम भी काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं, उन्होंने भी शो में वेब सीरीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। नंबर चार पर राधा कृष्ण, आपको बता दें कि आने वाले स्टोरी लाइन में जैसे कि महाभारत का सीक्वेंस दिखाने जाने वाला है, उसमें उनको अर्जुन का करेक्टर ऑफर हुआ लेकिन बाद में किंचुक वैद्य को फाइनल किया गया। आपको बता दो कहीं ना कहीं शेड्यूल की वजह से उन्होंने मना कर दिया। नंबर तीन पे कुमकुम भाग, कुमकुम भाग में उनको पूरब का करेक्टर ऑफर हुआ था लेकिन बाद में विन राणा को फाइनल किया गया उस करेक्टर के लिए। आपको बता दो कि वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, श्रीति झा मेन लीड में है। नंबर दो पे नागिन फोर में उनको मेन लीड का ऑफर किया गया था देव का, लेकिन बाद में विजेंद्र को फाइनल किया गया। हालांकि ये शो फ्लॉप शो हुआ और उनका परफॉर्मेंस भी लोगों ने नकार दिया। आपको बता दूं कि निया शर्मा मेन लीड में थी इस शो में। नंबर एक पे नागिन का ही थ्री, आपको बता दूं माहिर का करेक्टर ऑफर हुआ था लेकिन बाद में पर्ल वी पुरी को फाइनल किया गया था इस शो के लिए। उन्होंने काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिया था। सुरभि ज्योति की बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका बेला के रूप में और लोग उनको काफ़ी पसंद भी कर रहे थे।